हे गाइस, NHM यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा जो वैकेंसी है वो जारी की गई है। टोटल आपको यहाँ पे 39 पोस्ट मिलेगी। आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डाटा मैनेजर की पोस्ट मिल जाएगी। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि डिटेल्स हम जो है बात करेंगे इस वीडियो में। ओके गाइस, सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं आपकी पोस्ट नेम के बारे में। तो ये जो आपकी वैकेंसी जारी की गई है नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा, वैकेंसी जो है वो जारी की गई है। डाटा मैनेजर की पोस्ट मिल जाएगी एंड यहाँ पे 39 पोस्ट जो है वो अवेलेबल की गई है। कोरोना वायरस की वजह से दोस्तों ये जो वैकेंसियां हैं वो अर्जेंट वैकेंसियां हो रही हैं, तो आप लोग जरूर इस फॉर्म को जल्द से जल्द सबमिट करिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं 24 अप्रैल से वैकेंसी जो है अप्लाई होना स्टार्ट है। इंटरव्यू के माध्यम से आप लोग का होगा सिलेक्शन। इसका जो लास्ट डेट है 27 अप्रैल तक आप लोग इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी जो यहाँ पे दोस्तों किसी भी कैंडिडेट को यहाँ पे फ़ी जो है वो पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, बिल्कुल फ्री आप लोग इस वैकेंसी को अप्लाई करना है। गैस यहाँ पे आप देख सकते हैं जिनको भी डाटा एंट्री का यहाँ पे फॉर्म सबमिट करना है वो इस वैकेंसी को अप्लाई करेंगे। आपकी जो एज यहाँ पे मांगी गई है, मिनिमम 21 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 वर्ष आपकी एज यहाँ पे मांगी गई है। फॉर्म को ऑनलाइन के माध्यम से आप लोग को सबमिट करना है, ऑफलाइन ये वैकेंसी नहीं है, आप लोग को ऑनलाइन सबमिट करना है। हु कैन अप्लाई, मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जो आपका सिलेक्शन है मैंने बता दिया है, आपका इंटरव्यू होगा, ऑनलाइन इंटरव्यू के माध्यम से होगा सिलेक्शन। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं जल्द से जल्द इस वैकेंसी को सबमिट कर लीजिए। ओके, यहाँ पे जो आपको सैलरी मिलेगा देख सकते हैं, आपको जो यहाँ पे सैलरी मेंशन की गई है गाइस, 25,000 रुपीज़ पर मंथ मिलेगा सैलरी। एंड यहाँ पे आपका जो जॉब लोकेशन रहेगा मध्य प्रदेश है। गैस यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो बीई के साथ बीटेक होनी चाहिए। इसके समकक्ष में अगर कोई भी क्वालिफिकेशन है आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। जो आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी गई है देख सकते हैं, रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आपके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ओके गाइस, यहाँ पे जो आपको फॉर्म सबमिट करना है तो किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, आपका सबसे पहले फोटो सिग्नेचर क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। कैसे अप्लाई करना है दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल नीचे आना है आपको। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन के जस्ट बगल में यहाँ पे क्लिक हियर का ऑप्शन मिल रहा है, आपको दोस्तों यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे ही दोस्तों क्लिक करेंगे मध्य प्रदेश की जो ऑफिशियल पेज है बिल्कुल वहाँ पे आपको रीडायरेक्ट किया जाएगा। एंड गाइस यहाँ पे आपको देखिए कुछ मेंशन की गई है कोरोना वायरस की वजह से ऐसा वैसा कुछ लिखा गया, तो गाइस ये सब आप रीड कर लीजिएगा एंड यहाँ से आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो जो भी डिटेल्स है आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा, आप यहाँ से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। पूरी डिटेल्स के साथ हमारी वेबसाइट पर आइए, यहाँ से भी आप नोटिफिकेशन को क्लिक करके डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हैं। ओके सो गाइस, बस इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। कोई सवाल हो आप लोग का जरूर हमसे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। इस फॉर्म से संबंधित या अदर किसी भी फॉर्म से संबंधित आपके मन में कोई भी सवाल है हमसे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं आपके सवाल का जवाब तुरंत दूंगा। ओके गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम डेली जॉब संबंधित जानकारी आपको देते हैं।